डॉक्टर के पास लेती गई, मेडिकल स्टोर सब कुछ चेक करवा रहे, उन्होंने बोला आगे पीछे ले जाओ कहीं पे, कहाँ लेके जाना फिर पता चला। देखिए अभी तो बेसिकली मैगेट के लिए हम लोग ट्रीट कर देते हैं, कैविटी चेक कराना पड़ेगा ना, डैमेज तो नहीं हुआ है नाक का वो ना, तो वो चेक कराना पड़ेगा पालमपुर में ना। अभी तो हम बेसिक ट्रीटमेंट और पेन किलर और ये मैगेट्स निकालने के लिए देख लेते हैं, ड्रेसिंग कर देते हैं, लेकिन इसको एक बार एक्सरे तो जरूरी है मेरे ख्याल से। कोई गाड़ी वाला नहीं मान रहा था, हमारे घर पे नहीं है कोई भी ना, आर्मी में सारे बाहर है, तो फिर गाड़ी वाला टेम्पो में आए, तो फिर अब बारिश में पता नहीं एक बार क्या ठीक ना हो तो क्या फायदा हुआ क्या आंटी जी, इसको 3-4 दिन घर से गैप रहा इसको, ये ना लड़ाई हुई है पता नहीं अब क्या हुआ, गैप रहा तो फिर हम ढूंढने गए, ढूंढने पता लगाए तो फिर पता चला कि वहाँ पे आए, पर तब तक बड़े देर हो चुकी थी, इसको कीड़े बढ़ गए थे जब पकड़ लिए। पालतू है आपका? हाँ जी पालतू है हमारा, पूरी फैसिलिटी की थी इसको, पर जब हार ही मान गए तब सोचा कि लेके जाते हैं आगे पीछे कहीं पे। जिस हिसाब से खाया हुआ है नहीं रहा, पुराना लग रहा है दीदी, लग तो लग रहा है पुराना, बट मैं ये सोच रही हूँ कि मजल कैसे करेगी। सुबह खाना खिलाया इसको? खा नहीं रहा है ना कुछ भी, रात से कुछ नहीं खा रहा है। कैसा अग्रेसिव है ट्रीटमेंट? ज्यादा। आपने खाना नहीं खिलाया ना? बस देख करके आराम से करते हैं मेरे ख्याल से ना, 10 मिनट वेट करने देते हैं, डॉक्टर से पूछ लेती हूँ ना, सेडेट करके थोड़ा बेहोश करके ताकि आराम से साफ कर सके ना। मैगेट ऐसा है कि अभी अभी जितने सफाई हो जाए उतना बेहतर रहेगा। आपने ARV लगवाया, एंटी रेबीज इंजेक्शन एटलीस्ट? वो आप डॉक्टर से कंफर्म कर लो, मैं बात करवा देती हूँ कौन से इंजेक्शन लग गए हैं इसको कौन से नहीं, है ना? हाँ मैं पूछ रही हूँ, एंटी रेबीज इंजेक्शन लगी है डॉग को उसको? हाँ एक मिनट, आप इसको अरे लेकर नहीं लगाया तो इसको कुछ भी लगाया पेन किलर थोड़ा सा इधर लेकर एंड वाला जो पोर्शन है वो देखो वाला, ऐसे नहीं लग रहा तुम्हें कि उसको पूरे मैकेट में खा लिया हुआ है ना, अंदर वाला ना? हाँ ये देखो ये वाला पोर्शन ठीक है, और दूसरे वाले भी तभी तो ये थोड़ी देर के बाद ऐसे कर रहा है। एनेस्थीसिया देंगे हम लोग, जैसे स्टेट करवा करेंगे इसको, तो सांस में प्रॉब्लम आ गई तो कोलैप्स कर जाएगा वो, तो फिर हो सकता है यहाँ पे कुछ, नहीं तो हमें पालमपुर के लिए आप बोल रहे हो पालमपुर लेके चले जाते, पालमपुर में ही होगा ना, इसकी कैविटी इन्वॉल्व है, अगर कैविटी इन्वॉल्व नहीं होती ना तो हम लोग यहाँ पर मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कैविटी इन्वॉल्व है, अगर बेहोश भी किया इसको तो रिस्क है, तो सर स्प्रे कर दो लेकिन अग्रेसिव ध्यान से ना। नहीं ना बच्चा कहाँ से आए आप लोग? अब यहाँ तक लेके आए, थोड़ा सा होता है ना कि अपनी तरफ से कि हाँ हम करके देखते हैं आगे, तो ईश्वर के हाथ में, हमने भी तो बच्चों की तरह पाला है, थोड़ी सी अपनी तरफ से तो कुछ करके देखो आप, हम ये नहीं बोल रहे कि आप ऑपरेट करो इसका, यहाँ की सर्जरी वहाँ करो, ये नहीं बोल रहे हम। एक तो इसकी है भी कहाँ, इसको यहाँ पे चोट है, हम उसका मुँह कैसे बंद करें? आप ऐसा करो कि इसको थोड़ा सा बेहोश करके इसके कीड़े साफ कर दो। अगर हमने इसको बेहोश किया और वो सांस नहीं ले पाया तो फिर आप बोलोगे कि ऐसे कैसे बोल देंगे मैम, वे तो यहाँ पे बंद है, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है ना, बेहोश होने का सांस तो वो अपने आप आनी चाहिए ना, उसकी सांस की नली बंद है ना, मर ही जाएगा मुझे इतना पता है। अगर आप अपने रिस्क पे करवाना चाहते तो हैं कितनी तकलीफ दे रहे कीड़े के, हाँ, तो अगर अगर आपको अपने रिस्क पे करवाना है ठीक है, कीड़े साफ निकल जाए इसके बाद, मर जाएगा तो क्या करना है, ऐसे भी तो लोग बोले की इसको गोली कह रहे हैं, मन मर रहा है ना, गोली मारने के लिए बोल रहे हैं कुछ मैं तो सोच नहीं हम लोगों की चेंज कर सकते ना, बाकी सब कुछ बस ऐसे बोल रहे हैं लेके जाओ, अब इसको फ्रेश होने के लिए बाहर भी नहीं छोड़ सकते, मान सकते हो आप ऐसे बोल रहे हैं बच्चों पे के बच्चे आ रहे हैं जहाँ पे, इसको गोली मरवा दो कैसे मरवा दे, बच्चों की तरह पाला है चाहे जिस भी नस्ल का है मारा है, अग्रेसिव बहुत है डॉग, कौन सी ब्रीड है? ब्रीड नहीं है देसी है लेकिन बहुत अग्रेसिव, छोटा पतला सा है लेकिन एक्टिव डॉग है।
ये स्पॉट कोई बात नहीं, उनको बता दो भाई रिस्क है एंड देन करके देख लो। इंजेक्शन देना दीदी? देना तो है, अब इसको आगे से पकड़ो, पेन किलर रख लेते, अगर ये पीछे नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे मेरे को ऐसे हाथ उठाने लगा, हाय बच्चा, गुड बॉय, गुड बॉय, यस 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 यस। अच्छा गुड बॉय, नहीं ये देख कुछ भी नहीं किया हमने तो, कुछ भी नहीं किया है, इट्स ओके बच्चा। तो वो ड्रॉप करके जा रहे हैं और जैसे ही थोड़े स्टेबल कंडीशन होपफुली हो जाए इसकी स्टेबल कंडीशन, तो फिर ये लेने आएंगे उसको। जल्दी ठीक हो जाए, हम तुझे लेने आएंगे। पानी पी रहे बस, आती बार ना पानी दे देखना ना, पानी पानी नहीं पिया इसने, पी रहा था वो एलसी में आती बार ना। ओके सर, थैंक यू। मैं सोच रहा आप जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ साथ में ना। बंद है आंख के पास ही। नहीं 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 नहीं, बंद मत कर, नहीं थोड़ा खुला ही है, खुला ही है, खुला ही है, खुला है, बस बस बंद है। देखो तो बहुत ज्यादा नगेट्स हैं यार, नीचे करते हैं, नीचे करके नीचे करके मैं टांगे दोनों पकड़ती हूं, मैं मुंह पकड़ता हूं, ठीक है नहीं डाल रहा मैं ऑरेंज। डॉक्टर साहब, अब जैसे जो मैगेट्स मर गए ये तो आपने निकाल दिया, जो अंदर रह गए उनका क्या होगा? वैसे तो दवाई डाली है, मुझे लग रहा है सारे मरे ही हैं क्योंकि जिंदा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो डेब्रिस के फॉर्म में आ जाते हैं बाहर। तो सर ये दर्द में रहेगा क्या सर अभी बेहोशी के बाद भी? विक्की पेन किलर दे दिया उसको, दर्द में क्यों रहेगा बच्चा? नहीं जो पेन किलर का सर का होगा कम होगा, उसके बाद दर्द तो होगी शुरू, पर अब करेंगे पेन मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे पूरी। ये अब क्या होगा सर इस मास्क के साथ? सड़ गया है, वो निकल जाएगा धीरे धीरे करके, नया मास आ जाएगा यहाँ पूरा। तो मैं सोचना कि ये पूरा एरिया कवर होगा, जहाँ पे टिश्यू है बस वहीं पे कवर होगा, ये दांत दिखते ही रहेंगे हमेशा। इसमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे टिश्यू ही नहीं है रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ भी। सर अभी आप ये क्या लगा रहे हो? हाई मैक्स कल वाला, इससे क्या होगा सर? मक्खियाँ नहीं बैठेंगी। तो सर जैसे मुंह के बिल्कुल पास है तो हमें ये इस टाइप की दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तो आयुर्वेदिक है, ये आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक होती है ये, आयुर्वेदिक है। डीमैक भी करना पड़ेगा क्योंकि पूरी ऑनमेंट काम नहीं करेगी ना। डीमैक मार सकते हैं? डीमैक जख्मों पर ही मारी जाती है, ये जैसे मुँह के पास है, मुँह में ना चली जाए, हम टिश्यू में मार रहे हैं ना, मुँह पे मारेंगे। गुड बॉय, गार्ड डॉग है ये। नहीं चलता इस फेस अब, हालांकि इसको आए हमारे पास 3 दिन हो गए हैं, इसके फेस पे पूरा मैगेट वुंड था, उसके लिए सबसे पहले हमने सारे मैगेट्स मारे, उसके बाद इसके एंटीबायोटिक और पेन किलर शुरू करे, एंटी रेबीज इंजेक्शन भी इसका शेड्यूल भी शुरू कर दिया गया है, इसकी रेगुलरली ड्रेसिंग हो रही है अच्छे से, और जिसपे हम ध्यान रखते हैं कि ऑइंटमेंट अच्छे से लगे ताकि बाद में फिर से कोई मक्खी बैठ, क्योंकि बहुत बड़ा ओपन एरिया है ना, तो हमें ध्यान रखना होता है कि मक्खी ना बैठे उस चीज़ पे। उसके अलावा हीलिंग अच्छी चल रही है अभी, इसकी रिकवरी अपडेट जल्दी देते रहेंगे।